क्या हाल है भाइयों? सब बढ़िया हो? पढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है ना। करते रहियो पढ़ाई जब तक एग्जाम ना हो जाए, और क्लियर करके रहेंगे भाई सब एग्जाम ने। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है 2019 में, और इनको हम ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि याद करना मुश्किल हो जाता है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा रहता है दोस्तों ये युद्ध अभ्यास याद करना। तो बिल्कुल ट्रिक से याद करेंगे, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर दबाइए, ठीक है? लाइक बटन दबा दीजिए दोस्तों, और चैनल पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, एक्सेंट 2019 युद्ध अभ्यास यह किस देश में हो रहा है, जब भारत और पाकिस्तान दोनों की आर्मी ने हिस्सा लिया है? देखिए, ये देश बताना है कहां पर ये हो रहा है। काफी इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है दोस्तों, और ये हो रहा है रूस के अंदर, ठीक है? चार ऑप्शन है, अगर आपको पता है तो आंसर लगा भी सकते हो आप। रूस के अंदर हो रहा है, ठीक है? तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देखिए, यहां पर जो वर्ड है हमारा, वहां पे वही सारी है, एक्सेंट, एक्स एक्सेंट, एक्सटेंड करना, एक्सटेंड करना। तो भारत और पाकिस्तान सात देश हैं भाग ले रहे हैं, यहां से एक्सटेंड करके गए हैं रसिया, रूस में गए हैं। अब रूस को एक्सटेंड से कैसे रिलेट करोगे? रूस आपको पता है हमेशा से अपनी जो एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया, उसको बढ़ाता रहा, एक्सटेंड करने की कोशिश करता रहता है, एक्सटेंड करने की कोशिश रहता है। यूएसएसआर बना लिया तो उन्होंने, बाद में उन्होंने कई देश छोड़ने पड़े, तो एक्सटेंड करता रहता है, रूस भी एक्सटेंड करता रहता है, और भारत पाकिस्तान यहाँ से एक्सटेंड करके रूस गए हैं। तो एक्स सेंटर को रिलेट करो एक्सटेंड से, और यहाँ से भारत पाकिस्तान गए, और उधर से रूस भी एक्सटेंड करता रहता है। एक्स सेंटर 2019 युद्ध अभ्यास रूस के अंदर चल रहा है, और यहां पर सात देश भाग ले रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं। ट्रिक अच्छे लगे तो लाइक बटन जरूर दबाएं। आगे दोस्तों, अल निगाह 2019 युद्ध अभ्यास में भारत के साथ कौन सा दूसरा देश है? देखिए, हर क्वेश्चन में एक तरफ भारत रहेगा, दूसरी तरफ दूसरा देश है, वो देश हमें याद करना है, और वही एग्जाम के अंदर पूछेगा, और ट्रिक भी हम उसी के लिए यहां पर बनाएंगे। तो यहां पर आ गया अल निगाह, ठीक है, 2019। देखिए, भारत जो है, जो अपना ये यूएई वाला एरिया है, सऊदी अरब वाला, यहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अभी आपको पता है नरेंद्र मोदी जी गए थे यहां पर यूएई में, वहां पर उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। तो दोस्तों, अब अगली निगाह जो है भारत की, वो ओमान के ऊपर है। अल निगाह, अगली निगाह जो है वो ओमान के ऊपर है, यूएई के बाद अगली निगाह, अल निगाह दोस्तों, ये हो गया ओमान। बिल्कुल आसान ट्रिक से हमने याद किया, आपको याद भी होगा, और आप लंबे समय तक इसको भूलेंगे नहीं। दोस्तों, ट्रिक फनी लगेगी, ठीक है, अजीब लगेगी, लेकिन दोस्तों रिलेट नहीं करना किसी भी चीज़ से, आपको सिर्फ अपने क्वेश्चन के हिसाब से रिलेट करना है। ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो ये महज एक संजोग होगा, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध अभ्यास। देखिए, क्वेश्चन है अगला, युद्ध अभ्यास 2019 नामक युद्ध अभ्यास भारत व अन्य किस देश के साथ हुआ? देखिए, ये जो युद्ध अभ्यास हुआ है, इसका मैं आंसर पहले बता देता हूँ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यूएस, अमेरिका, अमेरिका और भारत के बीच ये युद्ध अभ्यास चल रहा है सितंबर के अंदर, ठीक है? तो युद्ध अभ्यास 2019 यूएस और भारत के बीच, यूएस आर्मी ने वहाँ पर हमारा राष्ट्रीय गान भी गाया, ठीक है, उनका जो बैंड था उसने, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो युद्ध अभ्यास 2019 यूएस के बीच में। अब यहाँ पर ट्रिक मैं बनाता हूँ, देखिए, युद्ध अभ्यास हम हर देश से कर रहे हैं, आपने दो अभी ऊपर पढ़े, तो दोस्तों युद्ध अभ्यास तो होते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी आर्मी और सबसे स्ट्रांग आर्मी किसकी है? यूएस की है। तो उनसे हम युद्ध अभ्यास करेंगे, प्योर युद्ध अभ्यास, सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास जिसका नाम ही युद्ध अभ्यास होगा, वो हम यूएस के साथ करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी आर्मी और सबसे स्ट्रांग आर्मी अमेरिका के पास है। तो युद्ध अभ्यास 2019 ये हुआ है भारत और यूएस के बीच, और ये यूएस के अंदर अभी चल रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, ओसी इंडेक्स 2019 युद्ध अभ्यास में भारत के साथ कौन सा दूसरा देश है? यहां पर दोस्तों आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, अगर उस नाम से रिलेट करके आप बना पा रहे हो यहां पर क्वेश्चन, तो दोस्तों आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर बताइए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, यहां पर ट्रिक बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको बस याद रखो, ओस आगे आ गया ना, ओस, और पीछे आ गया इंडेक्स, इंडेक्स का इंड, ठीक है, ओस इंड, बस इतना रखना है आपको, ओस इंड, और एक्स से बन गया एक्सरसाइज, ओस इंड एक्सरसाइज, ओस इंड, तो ओस से ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल इसके नाम में छुपा हुआ है, बिल्कुल आसानी से हमने याद कर लिया, ओस इंड, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज 2019। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, समझ तो आ रहा है ना, समझ आ रहा है तो दोस्तों ट्रिक अच्छी लग रही है तो लाइक बटन दबाएं, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए तो, साथ ही लगे बेल आइकन को दबा लें। नेक्स्ट, एफ इंड एक्स 2019 युद्ध अभ्यास जो है वो भारत के साथ दूसरा कौन सा देश था? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने,
ऑप्शन ए अफ्रीका, बिल्कुल सही है अफ्रीका। देखिए ये भी आपको नाम से ही पता चल जाएगा, एफ इंड एक्स, ठीक है, एफ इंड एक्स, तो एफ से अफ्रीका और इंड से इंडिया, इस तरह से ये बन गया है, बिल्कुल आसान। लेकिन हर क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा, आगे देखोगे आप, ट्रिक बनानी पड़ेगी हमें, ठीक है, ऐसे नाम नहीं होते हर एक युद्ध अभ्यास के। चलिए अब आगे देख लेते हैं आगे, मैत्री युद्ध अभ्यास 2019, ठीक है, ये दोस्तों भारत और भारत के साथ कौन सा दूसरा देश सम्मिलित था इस युद्ध अभ्यास में, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, थाईलैंड। देखिए मैत्री युद्ध जो है, ये 2019 युद्ध अभ्यास ये हुआ है भारत और थाईलैंड के बीच। तो यहाँ पर आपको ट्रिक बनाने बताता हूँ मैं। देखिए चीन और भारत दोस्तों एशिया महाद्वीप के अंदर दो बड़ी स्ट्रोंग आर्मी हैं, आपको पता है हम दोस्तों उनके साथ चलता रहता है हमारा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हमें कुछ मित्र चाहिए होंगे सॉरी चाइना को टैकल करने के लिए, तो थाईलैंड एशिया एशियन कंट्री का पार्ट है दोस्तों, एक देश है। तो दोस्तों वहाँ पर हमें मैत्री हमें मित्रता बढ़ानी पड़ेगी थाईलैंड के साथ, चीन को अगर टैकल करना है तो, क्योंकि थाईलैंड भी कुछ हद तक चीन से परेशान है, तो थाईलैंड से हमें मैत्री संबंध बनाने पड़ेंगे। तो मैत्री युद्ध अभ्यास थाईलैंड, बिल्कुल आसानी से याद किया। चलिए आगे देख लेते हैं आगे दोस्तों, सिम्बैक्स नौसेना युद्ध अभ्यास के 25वें संस्करण में भारत के साथ कौन सा देश सम्मिलित था, ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑप्शन ए सिंगापुर, सिंगापुर था दोस्तों सिम्बैक्स नौसेना युद्ध अभ्यास 25वें संस्करण में भारत के साथ। तो यहां पर आप देखिए सिम्बैक्स, तो सिम्बैक्स में शुरू में आ रहा है ना सिंह, सिंह आ रहा है ना सिंह, सिम्बैक्स सिंह, एम को आप भूल जाओ, सिंह और बैक्स सिंह बैक्स, तो यहां पर सिंगा सिंगपुर सिंगापुर सिंगपुर और सिम बैक्स, बिल्कुल आसानी से हमने याद किया, वॉइस में इनको पकड़ लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं आगे दोस्तों, संप्रीति 2019 युद्ध अभ्यास भारत और अन्य किस देश के मध्य हुआ, तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन है, कुछ आप आंसर लगा सकते हो पता है तो। ऑप्शन बी बांग्लादेश। देखिए संप्रीति युद्ध अभ्यास 2019 कहां पर, भारत के साथ कौन सा देश था, बांग्लादेश था। ट्रिक बिल्कुल आसान बनाऊंगा, देखिए जब 1971 का युद्ध हुआ तो ईस्ट इंडिया वेस्ट सॉरी ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान क्या बना, बांग्लादेश बना। तो हमने दोस्तों उनको संपत्ति लौटाई है, हमने संपत्ति लौटाई है बांग्लादेश को, संप्रीति संपत्ति संप्रति संप्रति संपत्ति, तो हमने संपत्ति लौटाई बांग्लादेश को 1971 में, तो संप्रति युद्ध अभ्यास 2019 बांग्लादेश के साथ हुआ है। चलिए आगे देख आगे दोस्तों, गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत व अन्य किस देश के मध्य हुआ, यहां पर ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ लीजिए और आंसर दे सकते हो आप अगर आपको पता है तो। ऑप्शन डी फ्रांस। देखिए गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, अब ट्रिक मैं बनाता हूं। देखिए गरुड़, गरुड़ जो आपको पता होगा गरुड़ क्या है, पक्षियों का राजा है, एक साइड रख दीजिए कोई बात नहीं। अब फ्रांस पे आते हैं, देखिए फ्रांस जो है वो बनाता है फाइटर प्लेन, हमने रफल उन्हीं के पास से खरीदा है, तो फ्रांस क्या बनाता है, फाइटर प्लेन बनाता है, बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी है इनके पास। तो गरुड़ जो है वो पक्षियों का राजा, फाइटर प्लेन की फाइटर प्लेन भी उड़ता है दोस्तों, गरुड़ भी उड़ता है, तो दोस्तों इस तरह से आप रिलेट करोगे, फाइटर प्लेन कहाँ से खरीदते हैं, फ्रांस से खरीदते हैं, गरुड़ है पक्षियों का राजा उड़ता है, ठीक है, तो इस तरह से आप याद करोगे। चलिए आगे देख लेते हैं आगे दोस्तों, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019, ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑप्शन सी सिंगापुर। देखिए बोल्ड कुरुक्षेत्र बोल्ड, देखिए मैंने आपको बताया चाइना को टैकल करने के लिए कुछ देशों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि थाईलैंड इंडोनेशिया सिंगापुर, ठीक है, इन सभी देशों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो बोल्ड करना है किसको, चीन को, कुरुक्षेत्र के युद्ध में बोल्ड करना है चीन को, तो हमें कि दोस्तों किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सिंगापुर की, जिसके पास दो सिंह हो और उसको ना ऐसा मारे, तो इससे रिलेट कर सकते कि वो बोल्ड हो जाए, है ना, सिंगापुर, तो भारत के साथ सिंगापुर चीन को बोल्ड करने के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं आगे दोस्तों, अब बात हो रही है चाइना को टैकल करने की, तो चाइना कैसे पीछे रहेगा, हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास भारत वाले किस देश के साथ हुआ, तो यहां पर ऑप्शन कुछ आपके सामने हैं, पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, चाइना चीन। देखिए हैंड इन हैंड, अब भारत देखो टैकल करने के लिए दूसरे देशों के साथ कर रहा है, ठीक है, एक्सरसाइज, लेकिन चीन के साथ भी एक्सरसाइज करनी होगी, क्यों, क्योंकि उसकी आर्मी को समझने के लिए, उसकी आर्मी को नहीं समझेंगे तो हम खुद टैकल हो जाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखें चाइना हैंड इन हैंड, लेकिन भारत ये कह रहा है एक्सरसाइज करेंगे,
लेकिन हाथ में हाथ मिला के करेंगे। हमारी आर्मी कुछ कम नहीं है तुमसे, हाथ में हाथ मिला के करेंगे, हैंड इन हैंड। चाइना को बोल रहा है भारत, हाथ में हाथ मिला के करेंगे, कर लो एक्सरसाइज, आ जाओ हैंड इन हैंड चाइना के साथ। चलिए दोस्तों आप आगे देख लेते। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कुछ यहाँ पर युद्धाभ्यास मैंने 2018 के भी लिए हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जी मैक्स युद्धाभ्यास भारत के अन्य किस देश के मध्य हुआ? तो भारत तो है ही, यहाँ पर श्रीलंका, नेपाल, चीन, जापान। तो दीजिए अपना राइट आंसर अगर आपको पता है तो। ऑप्शन डी जापान, बिल्कुल जी मैक्स, आपको नाम से याद आ रहा होगा जी मैक्स। देखिए जापान वो है, मैक्सिमम है भाई, टेक्नोलॉजी के मामले में मैक्सिमम है। आर्मी उनकी बेशक कम हो, लेकिन भाई साहब टेक्नोलॉजी एक से एक है उनके पास, आर्मी के पास एक से एक गन है, एक से एक फाइटर प्लेन है। तो जी मैक्स, तो जापान तो मैक्सिमम है, जी मैक्स होगा भारत और जापान के साथ। आगे दोस्तों बात करें मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और अन्य किस देश के मध्य हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन है जापान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार। तो दीजिए अपना राइट आंसर, मित्र शक्ति। ऑप्शन सी श्रीलंका। देखिए मित्र शक्ति, जैसा कि मैंने बताया कि हमें मैत्री संबंध, मित्रता के संबंध बनाने थाईलैंड से चाइना को टैकल करने के लिए, इसी तरह हमें मित्रता अपनी जो हमारी बनी हुई है श्रीलंका के साथ, वो अपनी शक्ति दिखानी है मित्रता की, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ। ठीक है, मित्रता दिखानी है हमें श्रीलंका के साथ चाइना को, कि हमारी कितनी मित्रता है। तो मित्र शक्ति श्रीलंका। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है इंद्र संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश सम्मिलित था? तो इंद्र, यहाँ पर अमेरिका, रूस, चीन, जापान। तो दीजिए अपना राइट आंसर, ऑप्शन बी रूस। इंद्र, देखिए इंद्र से ही आपको पता चल जाएगा, इंग्लिश में लिख के देखिए इंद्र को, आई एन डी आर ए, इंद्र। ठीक है, तो आई एन डी तो बन गया इंडिया और आर ए से बन गया रूस, रसिया। ठीक है, इस तरह से इंडिया, इंद्र से इंडिया और रसिया। तो इस तरह से संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तों इंद्र जो है भारत के साथ किसके, कौन सा देश था? रूस था। बिल्कुल आसानी से याद कर लिया। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों वज्र प्रहार सैन्य युद्ध अभ्यास भारत और अन्य किस देश के मध्य हुआ? तो ऑप्शन है चीन, अमेरिका, जापान, म्यांमार। तो दीजिए अपना राइट आंसर, ऑप्शन बी अमेरिका। देखिए वज्र प्रहार अमेरिका के पास है, उनके पास एक वज्र प्रहार, वज्र है हथियार, वो हमें लेना है, इसलिए हम उनके साथ करेंगे वज्र प्रहार। तो दोस्तों ये थे कुछ युद्ध अभ्यास जो आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों आपने वीडियो अच्छा लास्ट तक देखा और ट्रिक अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक बटन जरूर दबाएं, चैनल पहले बनाए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।